शनिवार की देर रात शराब गाड़ी में पी रहे कुछ दो लोगों को टोकने के कारण उन दोनों लोगों ने एक पुलिस दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को कार से टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद उसे दर्दनाक मौत दिया। दरअसल पूरा मामला शनिवार का है और दिल्ली के आउटर जिले के नागलोई थाने में संदीप नाम का कांस्टेबल रात में गश्त कर रहा था, तभी नागलोई के थाना इलाके के वीना इनक्लेव के पास एक गाड़ी में सफेद वैगन आर में दो लोग शराब पी रहे थे, जैसा कि पूरी जांच में अब तक सामने आया है। शराब पीने वाले शख्स का नाम रजनीश और धर्मेंद्र सामने आया है। धर्मेंद्र ड्राइविंग सीट पे था और रजनीश ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी किसी अमित नाम के शख्स की है जिसे धर्मेंद्र मांग कर लेकर आया था। पूरी वारदात इस तरीके से है कि वीना इनक्लेव के पास जब संदीप गश्त करते हुए उस गाड़ी तक पहुंचता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर दो लोग शराब पी रहे होते हैं और वो उन्हें रोक टोक करता है। उसके बाद वो लोग इस बात को नहीं मानते और संदीप से बहस करने लग जाते हैं। संदीप उस वक्त बाइक में अकेला था, वो पेट्रोलिंग कर रहा था और इसी बीच जो है गाड़ी वो लोग वहां से भगा देते हैं। संदीप उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ से सीधा थाने चलो, लेकिन जो FIR में जिक्र हुआ है कि रजनीश जो कि ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ था, उसने बताया कि उसने धर्मेंद्र को बोला कि इसे गाड़ी से उड़ा देते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र ने गाड़ी को तेज किया और संदीप को के बाइक को टक्कर मारा और संदीप दूसरे गाड़ी से जाकर टकरा गया और उसके बाद उसको करीब 10 मीटर तक घसीटते हुए उनकी कार आगे तक चली गई। इस बीच जो है जो संदीप है उसकी हालत काफी हालत बिगड़ गई। उसके बाद वो दोनों गाड़ी छोड़कर भागने लगे। इसी बीच पीछे से सचिन नाम का एक दूसरा जो कांस्टेबल है वो वहां पर पहुंच गुजर रहा था। उसने वहां पर से जो रजनीश उसको पकड़ लेता, उसी गाड़ी से संदीप को अस्पताल के लिए ले जाता है जहां पर इलाज के दौरान संदीप की मौत हो जाती है। लेकिन इसी बीच मौका पाकर रजनीश वहां से फरार हो जाता है। धर्मेंद्र पहले से फरार था। इस पूरी घटना के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें यानी कि आउटर जिले की कई टीमें रजनीश और धर्मेंद्र की तलाश कर रही थी। हालांकि रजनीश को रविवार की देर रात ही दिल्ली से सटे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि जो धर्मेंद्र है वो अभी भी फरार चल रहा है। धर्मेंद्र की तलाश को लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जगह जगह दिल्ली पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को दर्दनाक मौत दी गई, उस मामले में जिस तरीके से नशे के हालत में नशे को लेकर जो अभी तक जांच में सामने आया कि संदीप को मौत के घाट उतारा गया, अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सख्त है और संदीप के परिवार वाले इन आरोपियों के खिलाफ एक्शन और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी धर्मेंद्र पकड़ से बाहर है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बागमती नदी ने तबाही मचा दी है। सीतामढ़ी शिवहर के 5 बांध टूट गए हैं, जिसके बाद पूरे गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हालात इस कदर हो गए हैं कि बेलसन के मुख्य सड़कों पर भी बाढ़ का पानी अब प्रवेश कर गया है और लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो शिक्षक बताए जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे थे लेकिन बाढ़ का पानी इतना अधिक हो गया है कि सड़कों पर बह रहा है, 3 से 4 फुट बाढ़ का पानी बह रहा है, जिस वजह से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन में ताबूत का आखिरी किल साबित होगा SSS। ये SSS क्या है ये आपको बताते हैं। SSS का मतलब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है लेकिन बिहार में होम डिलीवरी हो रही है शराबों की। दूसरी बात उन्होंने जमीन की सर्वे को लेकर कहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जमीन के सर्वे के कारण आए दिन हत्याएं हो रही है, भाई से भाई लड़ रहा है। उसके बाद आखिरी जो उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिजली का बिल जो है आम लोगों को परेशानी का सबक बनता जा रहा है। यही नहीं, स्मार्ट मीटर को लेकर RJD भी बड़ा आंदोलन करने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर जो है प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार 2005 के नीतीश कुमार अब नहीं रहे हैं, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता जो है SSS का बदला जो है नीतीश कुमार से लेगी।
और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके बल्कि प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि विगत विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तो उस दौरान नीतीश कुमार उन्हें एक दिन में कई बार फोन कर रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को ये कहा था कि 42 सीटें आप जीते हैं तो आप मुख्यमंत्री पद नहीं ग्रहण करें। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बिहार का बनना स्वीकार कर लिया, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर जो है बिहार की सियासत जो है गर्म हो गई है। इन दिनों पूरे देश भर में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का बहुत चर्चा है और उसका कारण है इन दिनों पूरे भारत में जो है कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का खूब सारा चर्चा जो है पूरे देश भर में चल रहा है। आपको बता दें 2025 18 19 और 21 जनवरी को कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाला है। इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप वो डीवाई पाटिल स्टेडियम देखेंगे जहां पर ये कॉन्सर्ट जो है होना है और इसे लेकर जो है इस वक्त पूरे देश भर में जो है काफ़ी चर्चाएं हैं। इस वक्त मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ उस स्टेडियम की जहाँ पर ये कॉन्सर्ट होगा और तकरीबन 50,000 से 55,000 लोगों की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है और इसी स्टेडियम के आसपास जो है नज़दीकी कई सारे होटल्स हैं जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। जो कॉन्सर्ट है उसके टिकट्स की बुकिंग जो है पिछले ही हफ्ते बुक माय शो के जरिए जो है हुई है। आपको बता दें कि उस समय जिस समय पिछले हफ्ते 22 सितंबर को ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई उस समय तकनीकी खराबी के कारण पहले तो साइट कुछ समय के लिए बंद हो गया, लेकिन ठीक थोड़ी देर के बाद साइट जब वापस शुरू हुआ तो उस पर जो है सारे टिकट्स बिक जाने के दावे जो है वो किए जा रहे थे। इसके बाद विवाइगो और गिग्सबर्ग नाम की साइट से रीसेल की बात सामने आई और जो दाम जो न्यूनतम दाम है 2,500 से 35,000 की उससे कहीं ज़्यादा दुगने दामों में जो है इस टिकट को अन्य दूसरे साइट्स से बेचा जा रहा था जिसकी कीमत 1,20,000 से 12,00,000 रुपए तक जो है गई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक एडवोकेट अमित व्यास ने इस पर पुलिस जांच की मांग की और साथ ही FIR दर्ज करने की भी मांग की और इस पूरे मामले पर मुंबई इकोनॉमिक विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से जो है जो बुक माय शो के CEO है आशीष हेमराजानी उन्हें जो है समन किया गया, उन्हें बुलाया गया। आज अभी जो है उन्हें अब से कुछ देर में मुंबई पुलिस की टीम जो है समन करके उन्हें बुलाएगी, वो वहाँ पहुँचेंगे उनसे मिलने। और ऐसे में आपको बता दें अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में बुक माई शो ने एक प्रेस रिलीज जारी करके जो है दावा किया है कि उसका विवाइगो और गिग्सबर्ग से कुछ लेना देना नहीं है और ऐसे में जो फैंस है कोल्ड प्ले के जो कॉन्सर्ट में आना चाहते हैं वो ऐसे धोखाधड़ी से जो है बचाव करें, ऐसे धोखाधड़ी से जो है बचे और किसी भी अन्य तीसरी साइट से जो है टिकट लेने से बचे, क्योंकि जो आधिकारिक जो ऑफिशियल साइट है इस कॉन्सर्ट की टिकट बुकिंग्स के लिए वो बुक माई शो है। और इस वक्त मेरे पास वो कंप्लेंट कॉपी है अमित व्यास की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कंप्लेंट कॉपी के ज़रिए जो है अमित व्यास ने मुंबई पुलिस से इस बात की शिकायत की थी कि ये इसमें जो है टिकट की काला बाजारी जो है वो की जा रही है, टिकट घोटाला टिकट को लेकर जो है घोटाला वो किया जा रहा है। और पूरे 9 पेज की जो है ये कंप्लेंट कॉपी मुंबई पुलिस को जो है मुंबई पुलिस को भेजी गई थी, उनसे जांच की मांग जो है वो की गई थी। ऐसे में अब क्या कुछ जो है आगे इस पूरे मामले पर सामने आता है ये देखना होगा। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़। खंड में क्षेत्र में मौजूद है और भूगोल गांव का ये हाल जो है आप देख सकते हैं, कोसी नदी का जो प्रकोप है खासकर उसका हाल देख सकते हैं। और ये जो खासकर सड़क है वो सड़क दरभंगा गरौल से लेकर के ये किरतपुर होते हुए आगे तक जाता था, जिसका हाल देख सकते हैं ये सड़क आधे से कट चुका है। लगभग 400 फीट की अगर बात करें तो वो 400 फीट में ये सड़क जो है वो टूट चुका है। लगभग रात में बताया जा रहा है कि 12:50 से 55 के बीच में ये सड़क टूट गया और उसके बाद लाखों लीटर जो क्यूसेक के खासी जो पानी है वो किरतपुर प्रखंड हो, गौरा बोराम प्रखंड हो या फिर घनश्यामपुर प्रखंड हो, तो ये तीनों प्रखंड जो है इससे खासकर प्रभावित होंगे और काफ़ी परेशानी का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा दिखाने के लिए किस स्थिति में किस वेग में पानी जो है यहाँ से आ रहे हैं खासकर, और जो तस्वीर है वो दिखाएंगे चारों तरफ दिखाने के लिए कहेंगे कि देखिए किस स्तर पर ये जो नदी का जो प्रकोप है वो चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मिट्टी कट रहा है, ये मिट्टी कटाव जो है लगातार जारी है। जहाँ एक तरफ कोल्ड प्ले
कि कॉन्सर्ट की टिकट की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ रही है। टिकट्स को लेके काफ़ी कुछ बवाल जो है छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ जो नेटिजन्स है, जो फैंस है, वो टिकट सेलिंग को लेके जो है नाराज़ है। मुंबई पुलिस ने बुक माई शो के CEO को समन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ जो है इन सब के बीच में ये है कि 50,000 से 55,000 लोग जब इस स्टेडियम में आएंगे कॉन्सर्ट के लिए, पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से जो है वो यहाँ पहुँचेंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था, जैसे होटल्स के लिए जो है अक्सर लोग रुक करते हैं, और ठीक बाजू में जो आप देखेंगे इस स्टेडियम के बाजू में कोर्टयार्ड मेरठ होटल जो है वो मौजूद है। और हमने यहाँ पर बात की, हालांकि आपको बता दें मुंबई, नवी मुंबई और सारी होटल्स में जो है इस वक्त यही बताया जा रहा है कि उस समय के दामों को लेकर प्राइस हाई काफ़ी तेज़ है। यानी जो आम दिनों में जो दाम होते हैं कमरों के, उन दिनों के मुकाबले उस समय यानी 18, 19 और 21 जनवरी को जो है 10 से 15 गुना ज़्यादा का हाइक जो है बताया जा रहा है अब तक। लेकिन कुछ होटल्स का ये भी कहना है इस पूरे में मामले में कि उस समय तक जो है काफ़ी और हाइक जो है देखा जा सकता है। यानी आपको बता दें इस समय तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपया जो दाम है वो ऐसे होटल्स में, जो 5 स्टार्स होटल्स हैं, वहाँ पर 2 से 3 दिन स्टे को लेकर जो है लमसम 25,000 से 30,000 बताया जाता है। लेकिन वहीं 28, 19 और 21 जनवरी की बात करें तो 3 से 5 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर लोगों को देना होगा। अगर यहाँ पर वो अपना स्टे कंफर्म करते हैं तो उन्हें तकरीबन 10 से 15 गुना जो है वो ज़्यादा दाम जो है वो चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक समस्या तो टिकट की है, वहीं दूसरी समस्या जो है होटल्स में स्टे की भी यहाँ पर फैंस के लिए बनी हुई है, क्योंकि नवी मुंबई में ये कॉन्सर्ट जो होगा ठीक इस स्टेडियम, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं DY पाटिल स्टेडियम में होगा, और इस स्टेडियम में लोग जो है देश भर से पहुँचेंगे। तो सीधी सी बात है कि ऐसे में रहने की और खाने की व्यवस्था 3 दिनों के लिए, जो 3 दिनों के शो के लिए आएंगे उनके लिए जो है उन्हें करना होगा। और ऐसे में जब होटल्स बुकिंग की बात करते हैं, जैसे हमने इस होटल के कर्मचारियों से बात की, मैनेजमेंट से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस होटल में अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। कोल्ड प्ले की टीम जो है इस होटल समेत कई सारे अलग अलग होटल्स में जो है इस समय कोल्ड प्ले की टीम की जो है चर्चा चालू है। वो खुद कहाँ स्टे करेंगे इस बात की भी यहाँ पर जो है खास ध्यान जो है वो उनकी टीम की तरफ से रखा जा रहा है। इस होटल को लेकर भी जो है बुकिंग की बातें कोल्ड प्ले की टीम की तरफ से भी की गई है। तो ऐसे में अभी फिलहाल 3 से 4 महीने का समय जो है इस पूरे कॉन्सर्ट को लेके है, लेकिन ये कॉन्सर्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में सोशल मीडिया पर बना हुआ है। सोशल मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर जहाँ एक तरफ फैंस नाराज़ भी है तो कुछ फैन कई ज़्यादा अति उत्साहित जो है दिखाई दे रहे हैं। एक बात इस सबके बीच में ये भी निकल कर सामने आई कि अहमदाबाद में भी जो है कोल्ड प्ले का एक कॉन्सर्ट हो सकता है, जिसे लेकर अहमदाबाद की होटल्स की बुकिंग जो है वो एकाएक जो है 18, 19 और 21 जनवरी के लिए जो है वहाँ पर भी एक हाइक देखने को मिली है। तो ऐसे में अभी तक आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है कोल्ड प्ले की तरफ से हुआ नहीं है। कोल्ड प्ले की टीम की तरफ से अहमदाबाद में होने वाली कॉन्सर्ट को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर आधिकारिक पुष्टि जो है नहीं की गई है। हालांकि जो 18, 19 और 21 जनवरी का कॉन्सर्ट है नवी मुंबई का, उसको लेकर जो है आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है, उसको लेकर टिकट सेल्स भी हुए हैं, अब होटल बुकिंग भी जो है जोरों पर शुरू है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ नीतीश झा, ITV नेटवर्क। दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने आज से हरियाणा में चुनावी यात्रा की शुरुआत की है। दरअसल बीजेपी लगातार कुमारी सैलजा का मामला उठाकर दलित वोट बैंक को टारगेट करती आई है और चुनाव में ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि चुनाव जो है वो जाट वर्सेस नॉन जाट का है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव जो है जाट वर्सेस नॉन जाट का रहे और दलित वोट बैंक जो कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक है वो कांग्रेस की झोली से जाए, इसीलिए राहुल गांधी के जरिए यात्रा की एक बड़ी मेगा प्लानिंग जो है वो की गई है। आज से अंबाला से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। यहाँ राहुल गांधी जो है हरियाणा में आखिरी हफ्ते में 3 दिन अपनी यात्रा के जरिए तमाम विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव हो और जिसमें बीजेपी को फायदा हो, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने आखिरी हफ्ते चुनावी प्रचार में अपने दिग्गज नेता यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका
गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल बीजेपी लगातार कुमारी सैलजा का विवाद उठाते हुए हुड्डा को टारगेट कर रही है और कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाती आई है, लेकिन आज राहुल गांधी की जनसभा में हमने देखा कि राहुल गांधी के बगल में हुड्डा और उनके बगल में कुमारी सैलजा एक साथ एक मंच पे नजर आए। जिस दौरान जब राहुल गांधी जनसभा में पहुंचे थे और अपनी स्पीच दी थी, उसके बाद राहुल गांधी की ओर से एक तस्वीर लाई गई सामने, जिसमें कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ से हाथ मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने अपने मंच से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस नहीं चाहती कि दलित वोट बैंक कांग्रेस पार्टी की झोली से कहीं और जाए, इसीलिए राहुल गांधी लगातार संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जानती है कि राहुल गांधी अंतिम तीन दिन में अगर यात्रा करेंगे तो इससे कांग्रेस पार्टी को और फायदा होगा, और इसीलिए राहुल गांधी की पहली रैली हो या यात्रा की शुरुआत हो, वो उन विधानसभाओं से करवाई गई है जहां पर दलित वोट बैंक है और दलित कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं। इसीलिए उन दलित वोट बैंक को साधने के लिए चुनावी प्रचार में तीन दिन राहुल गांधी के चेहरे को आगे रखे कांग्रेस पार्टी एक बड़ी प्लानिंग में लगी हुई है, और कांग्रेस को लगता है कि आखिरी दांव में राहुल गांधी की यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में एक मजबूती स्थिति में आएगी, और जो मूल वोट बैंक है, चाहे वो दलित का हो या जाट का हो, उसमें कांग्रेस पार्टी एक कामयाब जो है हासिल करेगी। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा के जरिए तमाम तरह की योजनाएं जो है बनाई गई हैं। आज यात्रा का पहला दिन है जहां पे राहुल गांधी ने अम्बाला से यात्रा की शुरुआत की है। कुरुक्षेत्र में यात्रा जो है शाम को ओवर होगी। कल राहुल गांधी जो है वो सोनीपत के इलाके में यात्रा करेंगे जहाँ पे हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके लोगों के लिए प्रचार करेंगे, और आखिरी यात्रा के तीन दिन यानी कि 3 अक्टूबर को राहुल गांधी जो है दक्षिण हरियाणा की तमाम विधानसभाओं में अपनी यात्रा का प्रचार करेंगे। राहुल गांधी की ओर से संविधान, जवान, पहलवान, किसान के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और खास तौर पे जातीय जनगणना की बात करते हुए राहुल गांधी लगातार नजर आ रहे हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, संविधान और जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की ओर से है, और कांग्रेस को लगता है ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको टारगेट करके कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक में सेंध एक बार फिर से हरियाणा में लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि राहुल की ये रणनीति और कांग्रेस की ये बड़ी प्लानिंग क्या कांग्रेस के लिए सफल साबित होगी या नहीं। गांधी दिवस के अवसर पर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की आधिकारिक लॉन्चिंग करने वाले हैं, और इसको लेकर उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है, और इसको लेकर उन्होंने इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, उन सभी के प्रदेश अध्यक्ष से उनका प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा सक्षम, ज्यादा कारगर और ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब देखने वाली बात होती है कि प्रशांत किशोर का ये प्रदेश अध्यक्ष कौन है जिस पर उन्होंने दांव लगाया है, और इसको लेकर सूबे की राजनीति में अब राजनीतिक चर्चा भी होने लगी है। 2 अक्टूबर को पटना के एक मैदान में उनकी पार्टी की आधिकारिक लॉन्चिंग होगी, कई लोग ज्वाइन भी करेंगे, और प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, रणनीति क्या होगी, उनकी पार्टी का एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी 2025 के चुनावी समर में उतरेगी, इन सभी बातों का खुलासा 2 अक्टूबर को होगा। अब 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी जब स्वरूप में आएगी तो देखने वाली बात होती है कि इस पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और ये पार्टी बिहार की राजनीति में अपना भविष्य किस तरह से बनाती है।